नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका चार सपना सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी ग्रहों की स्थिति बन रही है, या उसमें आप सभी के जीवन काल की 4 बड़ी ऐसे महत्वपूर्ण सपने सच होने वाले हैं, जिन्हें सुनकर जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी खुशखबरी इतना जल्दी हमारा सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है, उनके जुनकाल में कब दिन से रात हो जाए और कब रात से दिन हो जाए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उनके जुनकाल में वैसे ही अंधियारे खत्म होते हैं। और दोस्तों, अब आपका वक्त आ चुका है जब स्वयं ईश्वर आपके 4 बड़े सपने सच करने वाले हैं, वो भी अगले 72 घंटों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति यशमय बन रही है। यशमय अगर आप ग्रहों का लाभ लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन 0 से लेकर 100 तक का सफर करेगा। यूँ कहें तो अब आप रंग से राजा बन जाओगे। बस हम आप सभी को बता दें कि यशमय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक जो भी इंसान इन सभी बातों को समझ लेगा, जान लेगा, उनके जुनकाल में ईश्वर सदैव प्रसन्न रहेंगे और ये सपने आपके जुनकाल में अगले 72 घंटों के अंदर सच होकर रहेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये 4 सपने आपके वे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपने दिन रात नहीं देखे हैं, जिन्हें पाने के लिए आप पिछले कई समय से तड़प रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप सभी ने अपने जुनकाल के हर एक अरमानों का गला दबा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ चुका है जब ईश्वर स्वयं आपके ये सारे महत्वपूर्ण सपने सच करने वाले हैं। और दोस्तों, जब आपके ये सपने सच होंगे तो हम ये अच्छे दावे के साथ कहते हैं कि खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। अगले 72 घंटों का समय आपके लिए खुशियों का दिन है। इसमें चारों ओर आपके जुनकाल में खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटों का समय ईश्वर का दिया वरदान है। और दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण समय का बिल्कुल ही दुरुपयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, इन समयों को सही से सदुपयोग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही गहरी तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी के जुनकाल की वो बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई भी आप सभी को बताने वाले हैं, कुछ ऐसे सच्चाई से आप सभी को रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के होश भी उड़ेंगे। और दोस्तों, जब आप यह बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात ज़रूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले बता दी होती, हमारा ज़िंदगी ही बदल जाती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों तक ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आप सभी के राशि वालों के लिए रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में शुक्र शनि और गुरु की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि गुरु का 7 अयश्मी आपके शनि के स्थान पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों शस नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा और दोस्तों मालवाई नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पर भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं, साक्षात यशमय मंगल यानी कि भगवान महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जुनकाल में प्रसन्न ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 दिनों तक दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो हम बात बताने वाले उन बातों को ध्यान में रखेगा दोस्तों, उन सभी का जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। और दोस्तों, इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसे रोक पाएगा। जी दोस्तों, सफलता पाने से, कामयाबी पाने से या फिर अपने जुनकाल में तरक्की को पाने से दोस्तों कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों, इसमें साक्षात आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आप सभी के जुनकाल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अगले 4 दिनों का समय आपके लिए आखिर कैसे रहने वाले हैं।
कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना होगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र आपके लिए भाग्यशाली होंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और देवों के देव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों, सभी के बातों से आपको अवगत कराने वाले हैं, सभी के दोस्तों प्रश्नों का हम आपको उत्तर देने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी के सच्चे प्रिय भक्त हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सच्चे मन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा दोस्तों। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवनकाल के सारे कष्टों को दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों अब आपको बताते हैं दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अश्वमेध शुक्र की स्थिति आपकी राशि से लाभ की स्थिति में है और दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अश्वमेध गुरु और शनि की भी स्थिति बहुत ही प्रबल है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जो योग बन रहे हैं दोस्तों, वह योग करोड़पति योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले चार दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि अश्वमेध चंद्रमा आपके नवम भाव में है, बृहस्पति आपके पंचम भाव में है और दोस्तों अश्वमेध सूर्य आपके तीसरे भाव में है और दोस्तों इन्हीं के कारण आप सभी के जीवन काल में अगले चार दिनों तक दोस्तों बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है, यानी कि दोस्तों करोड़पति योग बन रहे हैं दोस्तों। आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, करोड़ों के लाभ मिलने वाले हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति अश्वमेध बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और दोस्तों कौन कौन से कार्य आपके लिए अश्वमेध लाभकारी होंगे, सभी बातों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शुक्र का द्वादश भाव में बलवान हो जाना जातक को हमेशा सुख धन और सभी सब कुछ प्राप्त करवाते हैं। जी दोस्तों, और अश्वमेध शुक्र भी आपके लिए बहुत ही प्रबल स्थिति में आने वाले हैं, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवनकाल में प्रसन्न होने वाली है और सुख समृद्धि आप सभी के जीवनकाल में सब कुछ आने वाली है, यानी कि दोस्तों जो भी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक संकट से जुड़ी संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे आपके जीवनकाल से दूर होने वाले हैं, लाभ के बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। जी दोस्तों, अश्वमेध शुक्र की स्थिति आपके जीवनकाल में अच्छी है तो दोस्तों माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों, और यश में आपके कुंडली में दोस्तों शिव नाम का भी शुभ योग का निर्माण हुआ है। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं दोस्तों, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, हृदय से बहुत ही सच्चे होते हैं, समाज में आपका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और इसी कारण दोस्तों समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होते हैं, सभी लोग आपके सम्मान इसलिए करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं। बस दोस्तों आप शिव को बता दें कि इन्हीं के कारण आप सभी के जीवनकाल में कई बार शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी के कारण आप सभी के जीवनकाल में अश्वमेध शिव नाम का भी शुभ योग का निर्माण हुआ है, यानी कि दोस्तों अब आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भगवान शिव और धन की देवी माता लक्ष्मी अगले चार दिनों के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों अगले चार दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे और कुछ कार्य करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बस आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम हर एक बात आप सभी को बिल्कुल ही ध्यान से समझाने वाले हैं, हर एक बात आपको ध्यान से बताने वाले हैं कि कौन कौन से लाभ, कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि अश्वमेध शुक्र की स्थिति आप सभी के कुंडली में अच्छे होने की वजह से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाली है, असीम कृपा आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगले चार दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी पेशों की दिक्कत है, जो भी ऐसे कार्य हैं जो पिछले कई समय से पेशों की वजह से रुक गए हैं या फिर दोस्तों कई सारे ऐसे आपके काम रुके हुए मात्र आपके पेशे की वजह से, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके वे सारे काम अगले चार दिनों के अंदर बनने वाली है। आपके जीवनकाल में जो भी परेशानियाँ पिछले कई समय से पेशों को लेकर आ रही है दोस्तों, वे सारी परेशानियाँ अब खत्म होने वाली है। कि दोस्तों अश्वमेध धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के जीवनकाल में काफ़ी प्रसन्न हुए हैं
काफी आप अपने जीवन काल में मेहनत भी किए हैं, उन सभी का मेहनत का भी फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके मेहनत का फल इसलिए आप सभी को मिलेगा कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कर्म की देवता भगवान शनि की भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, शनि काफी समय से आप सभी का साथ दे रहा है, काफी समय से आप सभी को राहु से भी बचा रहा है। जी दोस्तों, जब जब राहु की स्थिति आप सभी के जीवन काल में प्रबल होती है, तब तब दोस्तों आपके अच्छे कर्म आप सभी को बचाते हैं, यानी कि आपके अच्छे कर्म ही शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और उन्हीं की वजह से आपको अपने जीवन काल में कई बार लाभ की स्थिति भी देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आप सभी के जीवन काल में ऐसे कार्य हैं जो कि आपको लगा है कि अब ये कार्य नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी वो कार्य बन गया है और आपको चमत्कार से लगा है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को इनके पीछे का रहस्य बताते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं। दोस्तों, आपने पिछले समय अंतराल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपने पिछले समय में दुख को देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से ही आप अपने जीवन काल में इतना मेहनत कर रहे हैं कि दोस्तों आप यह बात किसी को भी नहीं बताते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इतने कर्मशील हैं कि दोस्तों किसी के दिल को भी आप ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आप हमेशा यह चीज सोचते हैं कि जो लोग हमारे साथ आज बुरा कर रहे हैं उनके साथ कल बुरा होगा, कि आखिर ईश्वर कब तक हमें संकट देगा, आखिर ईश्वर कब तक हमें दुख देगा। दोस्तों, बहुत सारे विचार आप सभी के मन में चलते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर हमेशा आप सभी के साथ है। कभी भी आपके भाग्य खराब नहीं हुए, कभी आपको ग्रहों का शुभ फल नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे होते हैं जब ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, जब बहुत सारे ऐसे ग्रहों की स्थिति एक साथ हो जाती है जिनके कारण कई बार अशुभ परिस्थिति का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, आपने जो मेहनत करते हैं, आपने जो भी मेहनत किया है दोस्तों, उन सभी का फल आपको एक ना एक दिन तो मिलना ही है। जी दोस्तों, जो भी आप अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं दोस्तों, उनका फल तो आपको मिलना एक ना एक दिन है। जी दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि दोस्तों भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी दोस्तों, और अगले आने वाले 4 दिनों का समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ यही समय को लेकर आने वाले हैं, जब दोस्तों आपके कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी और आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साक्षात भगवान भोलेनाथ का भी अश्विन आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में अश्विन होने वाले हैं, जिनसे कोई भी दुश्मन आप सभी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्यों दोस्तों, अश्विन देवों के देव महादेव का हाथ आपके सिर पर है और दोस्तों आने वाले 4 दिनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलकर ही रहेगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों का समय घरों की स्थिति बहुत ही प्रबल है, जिनके कारण दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको नए कार्यों की प्राप्ति होगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें पदोन्नति हो सकती है। जो लोग पिछले कैश में से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, या फिर दोस्तों जो लोग पिछले कैश में से नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी की मनोकामनाएं यश में पूरी होने वाली है, क्योंकि साक्षात देवों के देव महादेव का छाया आप सभी की कुंडली में पड़ा है। जी दोस्तों, जिनके कारण आप सभी को यश में सभी कार्यों में लाभ की ही प्राप्ति होगी, परंतु आपको कुछ बातों को लेकर सावधान अगले 4 दिनों में रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में अगले 4 दिनों के अंदर आप कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो दोस्तों, किसी के भी साथ धोखा करने की कोशिश बिल्कुल ही ना कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा अगर आप करेंगे, जो भी शायद आप सभी के जीवन काल में है, जो भी आपकी कुंडली में शिव नाम का शुभ योग है दोस्तों, इनका शुभ प्रभाव आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे स्वभाव, आपके अच्छे ही कार्य की वजह से हमेशा भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर प्रसन्न होते हैं और आप सभी के कुंडली में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर शुक्र, शनि और शिव नाम का शुभ योग निर्माण हो जाए। दोस्तों, सभी का जो एक साथ संयोजन होता है दोस्तों, इन्हीं से राजयोग का भी निर्माण होता है। जी दोस्तों, और आने वाले 4 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय है। यश में खुद को साबित करने वाला समय है, यश में खुद को ऐसा कोई दिखाने का समय है कि दोस्तों सभी लोग, जो लोग आपके नाकामयाबी दिखना चाहते थे, उनको अपना कामयाबी का झंडा दिखाने का समय है। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत ही बलवान है दोस्तों, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों, अगले 4 दिनों तक दोस्तों कोई भी कार्य आप बेफुजिल के कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, कोई भी गलत कार्य, जैसे कि दोस्तों गलत धंधे हो जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के 2 नंबर के धंधे आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों में आपको अपने जीवन काल में जो भी आप कार्य करते हैं बिल्कुल ही उन्हें सच्चे मन से कीजिएगा,
किसी के कहने पर कोई भी कार्य की शुरुआत भूल कर भी मत कीजिएगा, इनसे आपको हानि हो सकती है, असफलताएं आपके हाथ लग सकती है। क्योंकि दोस्तों इसमें ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली में है। अगर किसी व्यक्ति का आप सलाह मानेंगे तो उनकी कुंडली की स्थिति अश्मी बुरी हो जाएगी और दोस्तों उनका प्रभाव शुभ कृष्ण काल में भी बुरा होगा। इसलिए दोस्तों इन चार दिनों के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऋषि लोग होते हैं कि उनके जुनकाल में बहुत सारे ऋषि विश्वासी लोग होते हैं जिन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे भूल आपको नहीं करना है। साथ ही साथ अगले चार दिनों तक आपको किसी के भी ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। चाहे दोस्तों कोई भी कितना करीबी इंसान हो, कोई भी हो, यश में आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि दोस्तों सफलताएं आपकी कदम चूमने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में जाने वाले हैं वहां पर आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। धन संबंध की जो भी क्रियाएं हैं यश में आपकी आगे बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों शत्रु भी प्रबल होंगे। जब आपको सफलताएं मिलती है तब तक शत्रु आपके प्रबल होते हैं, तब तक आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों सबसे भला यही है कि आप किसी के भी बात में ना लगें, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दोस्तों सोच समझ कर ही अगले चार दिनों के अंदर आपको कार्य करने हैं। दोस्तों ऐसा अगर करेंगे तो दोस्तों आपकी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह है, जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो भी शांत होंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण है। जी दोस्तों इसमें शिव नाम का शुभ योग है। तो दोस्तों इनसे साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप शिव के जुनकाल में है। और दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आप शिव के जुनकाल में आपके घर आने वाले हैं। तो दोस्तों इसी में आपको अपने घर में कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों अपने घर में आपको अब साफ सफाई का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपको संकेत देने वाले हैं, आपके घर में आगमन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी में साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है। कोई भी झूठा आपको घर में नहीं फैलाना है। दोस्तों छोटे बच्चों पर आपको गुस्सा नहीं करना है। घर की स्त्रियों का आपको अपमान भूल कर भी नहीं करना है। जे दोस्तों किसी के भी बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। किसी के भी प्रति आपको गलत भावनाएं अपने अंदर भूल कर भी नहीं लानी है। जे दोस्तों हम आप शिव को ये बता दें कि ये बातें हमेशा ईश्वर को ही प्रसन्न आती है। जो लोग ऐसे कार्यों को अपनाते हैं उनके जुनकाल में ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। जे दोस्तों और देवियों को जो भी स्त्री होती है दोस्तों उन्हें हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास कहा जाता है। दोस्तों प्राचीन ज्ञान से यह बात प्रचलित है कि स्त्रियों में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए यश में आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो दोस्तों कोई भी स्त्री हो, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर दोस्तों समाज के कोई भी स्त्री हो, उन्हें भूल कर भी अपशब्द नहीं बोलना है, ना ही उन्हें चिढ़ाना है, ना ही उन्हें परेशान करने की कोई भी कार्य करने हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के घर में विराजमान होंगी। और दोस्तों घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है पेशों को लेकर, जो भी आर्थिक तंगियां हैं धन को लेकर, दोस्तों वे सारे आर्थिक तंगियां समाप्त हो जाएंगी और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास आप सभी के जीवन काल पर रहने वाले हैं। जी दोस्तों इसके उपरांत ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जीवनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करना है। जी दोस्तों क्यों दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप शिव के जुनकाल में आए हैं। तो दोस्तों इसी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। जी दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी बताएंगे, जैसे कि कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अगले चार दिनों तक भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर आपको झाड़ू को किसी को भी दान में नहीं देना है। इसे दोस्तों आपके घर में जो भी धन की देवी माता लक्ष्मी आई है वो रुष्ट हो जाएंगी। जी दोस्तों झाड़ू का दान करने से घर में कभी भी धन की धन नहीं टिकता है। जी दोस्तों इसके उपरांत ही दोस्तों हम आपसे बता दें कि स्टील के वस्तुओं का भी दान आपको अगले चार दिनों के अंदर किसी को भी नहीं करना है। इससे दोस्तों घर में सुख शांति नष्ट हो जाती है और भगवान हमेशा ऐसे घरों से रुष्ट हो रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सरसों के तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन खराब और उपयोग किया गया तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों और अगले चार दिनों के अंदर तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि किसी भी भूखे को ताज़ा भोजन का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जी दोस्तों इसलिए अगले चार दिनों के अंदर आप ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों भूल कर भी आप किसी को बासी भोजन का दान मत कीजिएगा। दोस्तों इनसे घर में हमेशा अशुभता फैलती है और घर में जो भी देवी देवता का वास होता है दोस्तों वो हमेशा के लिए हट जाते हैं।
इसलिए दोस्तों ऐसा आप अगले 4 दिनों में भूल कर भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, और बासी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है, लेकिन दोस्तों 4 दिनों में हम आपको इसलिए बताए हैं कि दोस्तों 4 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही प्रबल है। जी दोस्तों, ऐसा करना दोस्तों आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करवाता है। दोस्तों हमेशा घर में विवाद होंगे और कोर्ट कचहरी के मामले पड़ेंगे और धन की खर्चा बहुत ज़्यादा होंगी। जी दोस्तों, इसलिए आप इनका खास ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों हम आपसे को बता दें कि यश में कौन से कार्य आपको करना है। दोस्तों अगले 4 दिनों में आप सभी को अपने जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं, जो कि हमने आपको बताए हैं। इसके उपरांत दोस्तों कौन से उपाय आपको यश में करना चाहिए, जिनसे आपको अपने जीवन काल में हमेशा सुख समृद्धि और हमेशा खुशियों की प्राप्ति हो। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न हो और घर में आई माता लक्ष्मी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम श्री 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 मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों इस उपाय से आर्थिक हानि कम होती है और धन में वृद्धि होती है, साथ ही घर में आए माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, साथ ही मोती शंख में रखने से भी धन सदैव बढ़ता है और दोस्तों धनहानि कभी भी नहीं होती है। अगर आपके घर में शंख है तो दोस्तों मोती का व्यवस्था करके उनमें जरूर रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों में बस आपको एक उपाय करना है, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में भगवान शिव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर सुबह उठकर आपको तुलसी को जल के साथ ही दोस्तों उनके जड़ में माथे को भी जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से दोस्तों आपके मन में आपके जो भी किए गए पाप हैं उनका क्षय होगा। शादी दोस्तों ऐसे व्यक्ति पर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास तो होता ही है, शादी शाह दोस्तों हमेशा उनके जनकाल में खुशियाँ होती हैं और भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आपसे बता दें कि माता लक्ष्मी का संबंध भी शिव से है, इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है और घर में यशमे माता लक्ष्मी और भगवान शिव आप सभी के घर में पधारने वाले हैं, तो दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आपको कौन सा महत्वपूर्ण उपाय करना है। जी दोस्तों, जो कि आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और घर में आए मेहमानों के लिए, घर में आए देव देवताओं के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों हमेशा आपको सुबह और शाम के समय घर में धूप दिखाने हैं। दोस्तों इनसे घर में आए जो भी माता लक्ष्मी और भगवान शिव हैं वो प्रसन्न होंगे और दोस्तों आपके मन में, आपके शरीर में, घर में हमेशा ही शांति की स्थापना होगी। जो भी आपके अंदर रोग हैं, जो भी ऐसे कष्ट हैं, गृह क्लेश हैं, आकस्मिक दुर्घटना आप शिव के जीवनकाल में होने लगती है, दोस्तों उन सभी से आपको मुक्ति मिलेंगी और भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप शिव के घर में नकारात्मकता हमेशा खत्म हो जाएंगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वास्तु दोष हैं, उन सभी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर ये आप करते हैं तो दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की भी स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। जी दोस्तों यदि आप अपने जीवन काल में धन सम्मति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो दोस्तों हम आप शुभ बता दें कि आपको हमेशा अगले 4 दिनों के समय में माता लक्ष्मी और भगवान शिव की मनुष्य पूजा करनी है। जी दोस्तों, हम आप शुभ बता दें कि भगवान शिव को बिलपत्र और दूध अवश्य अर्पित कीजिएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा और साथ ही अगले 4 दिनों में माता लक्ष्मी की भी आपको पूजा करनी है, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके उपरांत दोस्तों जो भी प्रसाद आप शिव के घर में आते हैं दोस्तों उन्हें घर में भी दीजिएगा और दोस्तों घर के सभी परिवारों में उन्हें बांटना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर यदि आप गरीबों जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करते हैं, दोस्तों धार्मिक स्थलों में कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो दोस्तों ऐसा करना आप सभी के लिए जीवनकाल में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी हमेशा आपके जीवनकाल में प्रसन्न रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आपको अपने जीवनकाल में एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण उपाय करना है। दोस्तों अपने जीवनकाल में आप कोई भी ऐसी गलत क्रियाएँ ना करें, जैसे कि दोस्तों होते हैं मांस मदिरा, मांसाहारी भोजन को आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके घर में वास करेंगे, आपकी मानसिक शांति इसमें बढ़ने वाली है। जी दोस्तों,
साथ ही साथ दोस्तों हम आप सबको बता दें कि अगले 4 दिनों तक सुबह और शाम आपको अपने घर में कपूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की जो आकस्मिक घटना है, दुर्घटना है दोस्तों, वे सभी टल जाएंगी। रात्रि को सोने से पहले आपको कपूर जलाकर ही सोना है। जी दोस्तों, ये अगले 4 दिनों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी साबित होंगी। कि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की स्थिति अष्टमी आपके कुंडली में अच्छे हैं, जिन्हें दोस्तों आपको जानना है और इन्हें जरूर ही करना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सबको बता दें कि अगले 4 दिनों तक तवे को सदैव ही लिपटा कर रखना है। ये दोस्तों ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है, इसके अलावा भी घर में जो भी देवी देवता आते हैं वो भी रुष हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान से भी आप इस कार्य को करना है कि घर में जब भी आप रोटी पकाते हैं तो उस तवे को हमेशा ही आप सीधा करके रखें, कभी भी दोस्तों गैस पर खाली नहीं छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे रोटी सेंकने के बाद उन्हें खाली तवा ही गैस पर छोड़ देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, कि अगले 4 दिनों में आप इस बात का खास ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सबको बता दें कि अगले 4 दिनों में आप अपने घर की सफाई जब भी करते हैं तो दोस्तों उनमें से थोड़ा सा गोमूत्र जरूर रखिएगा। दोस्तों इनसे आप सभी के घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सभी का वास हटेगा और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना है। भगवान भोले दोस्तों इतने भोले हैं कि मात्र एक बेलपत्र से ही वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी शिवलिंग पर नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के भी पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए सावन के हर दिन शिवलिंग पर शमी के भी पत्ते चढ़ाना चाहिए। जी दोस्तों, भगवान शिव का दोस्तों दूध और गंगा जल से अभिषेक करने से सभी व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी को काफ़ी ये पसंद होते हैं, इसलिए दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दोस्तों इन बातों का आप बिल्कुल ही खास ध्यान रखिएगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, कमल फूल, 1.25 मीटर गुलाबी या फिर सफ़ेद कपड़ा, चमेली का तेल, दही, सफ़ेद मिठाई, 1 जोड़ा जनेऊ 7 माता जी को अर्पित करना है। इसके बाद दोस्तों कपूर और देशी घी से आरती करें और श्री शुद्ध का पाठ करें। जो तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि जो भी पेशों से संबंधित समस्याएं हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके जीवन काल में समस्याएं हैं वो सभी खत्म होंगी, माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों इन 4 दिनों में इन कार्यों को कीजिएगा, आप सभी के जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, उन सभी से स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय।